नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का जो है एक वीडियो आ चुका है, दूसरा वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। मौर्य, पल्लव, गुप्त या राष्ट्रकूट, बताइए। दोस्तों, पत्थर को चमकाने की कला ऐसी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी कि इसके लिए आधुनिक क्षमता से परे लुप्त कला हो जाने की बात कही जाती है। किसके कार्यकाल में? मौर्य के कार्यकाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था? दिव्यावादान, महावंश, दीपवंश, राजतरंगिणी, बताइए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजत रंगिणी जो कि कल्हड़ द्वारा रचित है, इसमें भी ये पता चलता है कि अशोक कश्मीर का संस्थापक था। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? दोस्तों, श्रवण बेलगोला जो स्थित है वो स्थित है कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे, पोतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? नौका, राजकीय रंधनशाला, सिक्कों का ढालना, माप तौल, बताइए। दोस्तों, जो पोतवा अध्यक्ष होता था वो माप तौल का निरीक्षण करता था। किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एक अधिकार था? कौटिल्य, टालमी, एरियन या पिल्नी, बताइए। किसके अनुसार मौर्यों के शासनकाल में? तो दोस्तों, कौटिल्य के अनुसार जो है मौर्यों के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था। आगे बढ़ेंगे, अशोक ने 21 अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है? पांचवा अभिलेख, छठा स्तंभ लेख, प्रथम पृथक शिलालेख या द्वितीय पृथक शिलालेख? तो दोस्तों, अशोक ने जो है प्रथम पृथक शिलालेख में कहा, अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? लोहाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, रूपदर्शक या सुवर्णाध्यक्ष? दोस्तों, यह कार्य था लक्षणाध्यक्ष का। गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किया है? अर्थशास्त्र, कामंद की नीतिशास्त्र, नीतिशार, मुद्रा राक्षस, नीति वाक्यामृतम, किसमें किया गया है गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन? दोस्तों, ये किया गया है अर्थशास्त्र में। आगे बढ़ेंगे, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? दोस्तों, ये करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था? बोधगया, पाटलिपुत्र, लुम्बिनी या सारनाथ? दोस्तों, लुम्बिनी में जो है अशोक ने भूमि कर घटा दिया था और 1/8 कर दिया था। अशोक का समकालीन अंतियोक कहाँ का राजा था? कोरिंथ का, मेसिडोनिया का, मिस्र का या सीरिया का, बताइए। तो दोस्तों, अशोक के समकालीन जो अंतियोक था यह सीरिया का राजा था। आगे बढ़ेंगे, कौटिल्य ने किसको सेना में भर्ती होने की छूट दी? केवल क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी को, बताइए। दोस्तों, कौटिल्य ने जो है सभी को जो है सेना में भर्ती होने की छूट दी थी। अपने अभिलेख के किस वर्ष अशोक ने कलिंग विजय की? चौथे, आठवें, दसवें या बीसवें, बताइए। दोस्तों, अपने अभिलेख के जो है आठवें वर्ष में जो है अशोक ने कलिंग विजय की थी। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? बिंदुसार, पुष्यगुप्त, तुषाफ, राधागुप्त, बताइए। दोस्तों, जो पुष्यगुप्त था ये चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक था, ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बिष्ट का तात्पर्य क्या है? शिल्पियों पर लगाया गया कर, व्यापारियों पर लगाया गया कर, जबरदस्ती किंतु भुगतान कर कराई गई मजदूरी, जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी, बताइए। विष्ट क्या है? तो दोस्तों, जबरदस्ती और बिना भुगतान के कराई गई मजदूरी को विष्ट कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने
भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह पर गहरा दुख व्यक्त किया। स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलेमी या एरियन? दोस्तों जो प्लिनी था इसने जो है गहरा दुख व्यक्त किया था भारत में रोम के सिक्कों के प्रवाह पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमेइक या ग्रीक? खरोष्ठी ग्रीक, शारदा या ब्राह्मी? देवनागरी, अरमेइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक या देवनागरी बताइए। दोस्तों ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमेइक और ग्रीक जो लिपियां हैं ये अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दीवानी कचहरी को कहा जाता था? प्रदेष्टा, धर्मस्थीय, कंटक शोधन या दंडाधिकारी बताइए। दोस्तों धर्मस्थीय कहा जाता था कौटिल्य के अनुसार दीवानी कचहरी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, किसने कहा था चंद्रगुप्त ने 6,00,000 सैनिकों की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला? टैलेमी, प्लूटार्क, पिल्ली, हेरोडोटस बताइए। दोस्तों ये कहा था प्लूटार्क ने। मौर्यकालीन पश्चिमी सीमा थी अफगानिस्तान तक, रावी नदी तक, पंजाब तक या सिंधु नदी तक? दोस्तों ये सीमा थी अफगानिस्तान तक। अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख है? द्वितीय, 12वां, 13वां या 7वां? अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ संबंधों का उल्लेख किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों जो 13वां अभिलेख था उसमें जो है विदेशी राज्यों का वर्णन मिलता है। कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में सम्मिलित नहीं है राज, राजा या अमात्य, मित्र, कोष या दूत बताइए। दोस्तों दूत जो है ये सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चलता है, किसका कथन है? कौटिल्य का, हेरोडोटस का, पाणिनि का या मनु का? दोस्तों ये कथन है कौटिल्य का, राज्य रूपी रथ एक पहिए पर नहीं चलता है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसे प्राप्त है? जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम, विलियम जोम्स या जॉन मार्शल? दोस्तों बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। दोस्तों अशोक के जो अभिलेख थे उनको सर्वप्रथम जो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों के प्रमुख को कहा जाता था? अग्रणी, श्रेष्ठि, सार्थवाहक या वाणिक बताइए, क्या कहा जाता था? दोस्तों कारवां बनाकर चलने वाले व्यापारियों को कहा जाता था सार्थवाह। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की? स्मिथ ने, जेम्स प्रिंसेप ने, विलियम जोन्स ने या जॉन फिलिप ने बताइए। दोस्तों विलियम जोन्स ने जो है सेंड्रोकोटस के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। आगे बढ़ते हैं, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? इंडिका में, पुराण में, मुद्रा राक्षस में या दिव्यावदान में? दोस्तों इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है उसमें जहाज के निर्माण और नाविक की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? पूरण कश्यप, वसुमित्र, मोगिल पुतुतिस या अश्वघोष? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगिल पुतुतिस। पाषाण ग्रह कला का सर्वप्रथम विकास किस राजवंश में अंतर्गत हुआ है? मौर्य, शातवाहन, हर्यक या कुषाण बताइए। दोस्तों मौर्य वंश में जो है पाषाण ग्रह कला का सर्वप्रथम विकास हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अशोक का धम्म, सेना में कमी कर देना, अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता या केंद्रीय प्रशासन बताइए। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था वो था अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता। अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश सम्मिलित था? केरल, शातिपुत्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? दोस्तों कर्नाटक जो है सम्मिलित था। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? कलिंग लेख, भ्राबू लेख, धौली लेख या जौगढ़ अभिलेख? किसमें उल्लेख किया गया है बौद्ध पुस्तकों का? दोस्तों जो भाब्रू लेख है
उसमें बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख किया गया है। अशोक का नाम मिलता है मास्की अभिलेख में, शपारा अभिलेख में, कलिंग अभिलेख में या जूनागढ़ अभिलेख में। दोस्तों मास्की अभिलेख में जो है अशोक का नाम मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? भद्रबाहु, अश्वघोष, मोगलपुत्र या कल्पायन। दोस्तों भद्रबाहु जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। मौर्यों के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार था? बैक्ट्रियन, कुषाण, शक या हूण। दोस्तों बैक्ट्रियन जो थे मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर बैक्ट्रियन का अधिकार था। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, चांदी तथा अन्य वस्तुओं का परीक्षण करने वाला, गणिकाओं का अध्यक्ष, रंगमंच का अध्यक्ष या सिक्कों का परीक्षक था, कौन था बताइए। दोस्तों मौर्य शासन व्यवस्था में जो रूपदर्शक नामक अधिकारी होता था वो सिक्कों का परीक्षक था, तो इसका विकल्प डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख है? शाहबाजगढ़ी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मास्की अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नामोल्लेख है। मौर्य काल में राहत कार्य के लिए कोष्ठागारों के अस्तित्व का प्रमाण निम्नांकित में प्राप्त हुआ है, गिरनार का शिलालेख, स्तंभलेख, सासाराम का लघु शिलालेख या सोहगोरा का ताम्रपट। दोस्तों सोहगोरा का जो ताम्रपट है इसमें जो है प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देव मातृक शब्द का आशय क्या है? मातृ देवियां, व्यक्ति की मातृभूमि, देवी गुणों से संपन्न स्त्री या वर्षायुक्त प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों देव मातृक शब्द का आशय है वर्षायुक्त प्रदेश। अशोक के शासनकाल में कुमार निम्नांकित स्थानों में नियुक्त थे, तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला उज्जैनी जूनागढ़, तक्षशिला तोसली सोपारा, उज्जैनी तोसली सोपारा, बताइए। तो दोस्तों तक्षशिला और तोसली और उज्जैनी में जो है कुमार जो है इन स्थानों पर नियुक्त थे अशोक के शासन काल में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मौर्य स्तंभों के पत्थर कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? राजमहल पहाड़ियों से, राजगृह से, चुनार से या बराबर पहाड़ियों से। दोस्तों ये मिले हैं, प्राप्त किए जाते थे चुनार से। कौटिल्य द्वारा धर्म स्थिर शब्द का तात्पर्य था शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, न्यायालय या राजस्व विभाग। दोस्तों न्यायालय, धर्म स्थिर का शब्द का तात्पर्य था न्यायालय। अगला प्रश्न, यद्यपि अशोक के अनेक पुत्र थे परंतु अभिलेखों में अशोक ने एकमात्र पुत्र का उल्लेख किया है, किसका किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, कुणाल, तीवर, महेंद्र या जालौक। दोस्तों जो अशोक ने जो है एकमात्र पुत्र का जो उल्लेख किया है वो है तीवर। मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के बाद कौन आया? अलेक्जेंडर, डायमेकस, एथेनियस या नियाकर्स, बताइए कौन आया था। दोस्तों डायमेकस आया था मेगास्थनीज के बाद। आगे बढ़ेंगे, प्राचीन स्रोतों में किसके साथ श्रमण का युग्म बनता है? आजीवक, सौगात, ब्राह्मण या निर्ग्रंथ। दोस्तों ब्राह्मण के साथ श्रमण का युग्म बनता है। निम्न में से कौन एक अर्थशास्त्र पर टीका है? भुवन देवकृत अपराजित प्रछा, भोज देवकृत समरांगण सूत्रधार, मेरुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि, भट्ट स्वामी कृत प्रतिपदा पंचिका, बताइए। दोस्तों भट्ट स्वामी कृत प्रतिपदा पंचिका, यह अर्थशास्त्र पर टीका है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कहाँ चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, महाभास में या परिशिष्ट पर्वन में। दोस्तों मुद्रा राक्षस में जो है चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख है। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था, बिंदुसार, दशरथ, शनिलूक या बृहद्रथ, बताइए कौन जाना जाता था। दोस्तों बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है, भास ने, विशाखदत्त ने, अश्वघोष ने या भवभूति ने। दोस्तों विशाखदत्त ने जो है चंद्रगुप्त की को विशिष्ट रूप से वर्णित किया है। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? चित्रलिपि, कीलाक्षर लिपि, आर्माइक से या ब्राह्मी लिपि से।
दोस्तों आरमाइक से जो है खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों ये मौर्य सम्राट से संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में आपको कराए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगता हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।